इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश के मुरैना से कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। पीएम ने मुस्लिम आरक्षण और संपत्ति के बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक छीनने का षड्यंत्र रच रही है, जिसका उदाहरण कर्नाटक में देखने को मिला है। पीएम मोदी ने दावा किया, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को दे दिया है, ये पीएम की बड़ी बातें। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उच्च वर्ग के होंगे, धनी होंगे, व्यापारी होंगे, उद्योगपति होंगे, न्यायमूर्ति होंगे, कोई भी होंगे, बस सिर्फ मुसलमान होना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। अभी ओबीसी घोषित कर दिया तो बहुत बड़ा तूफान हो गया, यानी वहां कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया, चोरी छुपी से छीन लिया। और जो मुसलमानों को नया ओबीसी बना दिया था, गैर कानूनी तरीके से बना दिया था, संविधान के विपरीत बना दिया था, बाबा साहब आंबेडकर की भावना के विरुद्ध बना दिया था, उस मुस्लिम समाज को ओबीसी को जो मिलता था वो लूट करके उनको दे दिया। पीएम मोदी ने मुरैना की रैली में कहा कि कांग्रेस ने आरक्षण कोटे से पिछले दरवाजे से चोरी की है। पीएम पर कांग्रेस पर वार करते हुए कहा, कांग्रेस पूरे देश में कर्नाटक मॉडल लागू करना चाहती है और इसलिए कांग्रेस ने धोखेबाजी की, पिछले दरवाजे से किया, खुद बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंक दिया। लेकिन वोट बैंक और तुष्टिकरण में डूबी कांग्रेस कर्नाटक का यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है। साथियों, कांग्रेस दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का हक छीनने का षड्यंत्र लंबे समय से कर रही है। आज पीएम मोदी ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। राहुल गांधी के लिए शहजादा कहते हुए पीएम मोदी ने राहुल के भाषणों में उनकी भाषा पर प्रहार किया है। आपने सुना होगा, इन दिनों कांग्रेस के शहजादे, अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है, मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है, वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है, ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है, ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया,
देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या? मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई, मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं, अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूं, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए। वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे, आप अपना समय खराब मत कीजिए। तो ये मेरी सोशल मीडिया में जो लोग बहुत नाराजगी से कुछ न कुछ कहते रहते हैं, क्योंकि समाजवादियों ने वो काम शुरू किए थे, बीजेपी के लोगों ने नकारात्मक राजनीति की, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका बीजेपी के लोगों ने न जाने कई बार कितनी बार लोगों को अपमानित किया है। यहाँ की जनता एक बार फिर प्यार मोहब्बत मिलीजुली संस्कृति आपस में भाईचारा उसका दौर शुरू करेगा। कन्नौज की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं कन्नौज की जनता के लिए पहले भी सेवा करने आया था और कन्नौज की जनता ने विकास होते हुए देखा है। जो पुरानी पीढ़ी के लोग होंगे जिन्होंने लोहिया जी को चुना था, वो जानते हैं कि समाजवादी सिद्धांतों को डॉक्टर रामनोहर लोहिया ने और समाजवादियों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और उसका परिणाम यह हुआ कि समाजवादी आंदोलन न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में फैला। यहाँ की जनता ने नेताजी को भी चुना, यहाँ की जनता ने छोटे सिंह यादव, प्रदीप यादव और बहुत सारे सांसदों को चुना जो कई ऐसे समाजवादी विचारधारा से। हम समाजवादियों का, खासकर मेरा,